इतना बड़ा त्रिकोण आपने देखा है? ये देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 7:30 के आसपास, और कल हम आए थे अंबाजी। वैसे अंबाजी घूमने के लिए नहीं आए दोस्तों, अंबाजी आए हैं हम होटल में जॉब करने के लिए। मेरे साथ ओम प्रकाश है और मैं हूँ। कल आए थे और कल हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल तो हमने रेस्ट ही किया था, और आज हमारा जो ये सेकेंड दिन है, तो आज कैसा दिन रहने वाला है और वर्क पूरा कैसे रहने वाला है, इस वीडियो में सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी चाय वगैरह भी पीनी है, चाय पीते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं। और 1 तारीख का जो मेरा प्लान था बाईसाइकिलिंग ऑल इंडिया घूमने का, तो दोस्तों कैंसिल यूँ करना पड़ा किस कारणवश से, और घर की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं थी, वो मतलब सारा कुछ आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा बहुत कम है क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि इंट्रो दे दूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। कारण ये रहा क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिल पाया था कल, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फिलहाल ओपी तो उठ गया, मैं भी उठ गया, यहाँ पे हमारे दोनों का बेड था, ठीक है। इस तरह का रूम है और चलते हैं फिर बाहर, है ना। बात आपको भी घुमाता हूँ, इस तरह का पूरी होटल है। ये देखो 300-400 कमरे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब उठ गए हैं, अब हम भी चलते हैं दरवाज़ा क्लॉक करके। वाह, सुबह का है समय है, ठीक है। चाय पीते हैं फिर हमारा काम स्टार्ट करते हैं। और इस तरह का टॉयलेट वगैरह भी है पूरे, देखो लाइन में लगे हुए। सुबह सुबह नहीं बताऊंगा वरना कमेंट में गालियाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये है हॉल है पूरा, चलो ठीक है नीचे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी चाय वगैरह पी ली है और अभी हमारा काम स्टार्ट हो रहा है थोड़ी देर बाद। अभी हम ढूंढ रहे हैं हमारे जो मैनेजर हैं उनको, और रूम की सभी लेते हैं, एक एक रूम को खोलते हैं, अभी चेक करते हैं। तो आज भी हमने स्नान नहीं किया और अपना जो रिकॉर्ड है वो हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम डेली स्नान तो करते नहीं, आपको पता ही है ऑलरेडी। और वैसे अपने गाँव में रहते तो भी नहीं करते, और यहाँ पर हर सुविधा है, तो देखते हैं आज दोपहर को करेंगे, ठीक है। सुबह तो नहीं किया क्योंकि हर बात आपको साथ शेयर करना भी ज़रूरी है और झूठ बोलना भी नहीं। काम फिलहाल अभी मैनेजर ने कुछ कहा नहीं है और वो साबित देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी पैसेंजर होटल में ठहरे हुए हैं। तो वो निकलते हैं फिर रूम को एकदम क्लीन करते हैं, सारा कुछ वीडियो में आपको देखने को लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है रूम की चाबी है, और इस तरह का रूम है, हमने खोल दिया है, सबको खोलना है, फिर इसके बाद हमें इसको क्लीन करना है। 204 इसमें ढूंढते हैं, 204 वाले सभी ये दोस्तों। इस तरह का रूम होता है और इसको बेड वगैरह को ठीक करना होता है, ठीक है। अभी रूम में हमने दरवाज़ा खोल दिया, इस तरह का बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, धूप अच्छी खासी पड़ रही है। और ये है अंबाजी टेम्पल, ये देखो आप, गोल्डन टेम्पल से भी पुकारा जाता है। तो ऐसा कुछ व्यू है भाई, और सूरज भगवान भी अच्छे खासे निकल चुके हैं। अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, और इस तरह का फैला हुआ है देखो आप चारों तरफ, है ना। काम स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि पहले काम फिर वीडियोग्राफी। चलो सारा कुछ रूम खोल दिया है, और अभी हम देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। आपको मिलवाते हैं हमारे बगदाराम जी से, दोस्तों को हेलो बोल दो भाई। हाय हाय। तो अब डेली ब्लॉग में बगदाराम जी इस वीडियो में आते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा जो काम रहने वाला है आज, और ये सीढ़ी दिख रही है आपको, इसके ऊपर चढ़ के जो पंखा दिख रहा है आपको, ये उसको पूरा क्लीन करना है, हर रूम में से ये काम करना है, और जो बेड शीट होती है उसको चेंज करना है, और बाकी को जो रूम होता है उसको क्लीन करना है। तो रूम बॉय का यही काम होता है, और धूप भी अच्छी खासी निकल चुके हैं। और दोस्तों कमेंट ये भी आएगा कि तू इतना इतना पढ़ा लिखा है और इस तरह के काम करता है, तो वैसे भाई
सबको यही कहना चाहता हूँ कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है कि जो अनपढ़ होते हैं उनके लिए ही काम होता है, सबके लिए काम होता है, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ और चलता है भाई। तो दोस्तों ये हमारा अभी लास्ट कमरा है और इसको भी साफ करते हैं, फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। अभी बाद में कौन सा वर्क दिया जाएगा वो सारा कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और नज़ारा है यहाँ का, देखो बाहर का, ये बैक साइड का नज़ारा है और वहाँ पे देखो पहाड़ी दिख रही है आपको, बहुत ही खूबसूरत है भाई। और दोस्तों अंबाजी में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेस है, टाइम मिलेगा तो वो भी मैं आपको सारा कुछ घुमाऊँगा। फिलहाल हम यहाँ पर वर्क करने के लिए आए हैं तो पहले वर्क करें। तो दोस्तों मैं ओपी से आपको मिलवाने वाला था लेकिन यार उसको शर्म आ रही है कि यार इस तरह के वीडियो मत ले, मैं काम कर रहा हूँ। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी काम करने में कोई शर्म भी नहीं करनी चाहिए आपको और जो मिल रहा है वो करना चाहिए। तो ऐसा कुछ व्यू है और चलो कोई ना, ओपी से मैं आपको बाद में मिलवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी 10-15 मिनट यहाँ पर आराम करते हैं और फिर इसके बाद कुछ काम होगा तो वो करेंगे, इसके बाद नाश्ता भी करना है, नाश्ता भी करेंगे और फिर नहा धो के हो जाएंगे तैयार एकदम। तो अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए, आज आज थोड़ा लेट हो गए, टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास और डेली हमें नाश्ता मिल जाता है टाइम पे। अभी चलते हैं नीचे। दोस्तों हमने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता तो क्या भरपेट खाना खाया, क्योंकि हम अपने मारवाड़ में अपने गांव में वैसे भरपेट ही खाना खाते हैं तो नाश्ता तो हमारे लिस्ट में है नहीं। तो अभी थोड़ा बहुत काम रहा है वो काम करते हैं, फिर हम नहाएंगे, ठीक है, फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों नहा धो के हो चुके हैं तैयार एकदम टकाटक और ब्लैक वाली टी शर्ट पहनी है मैंने। तो अभी 1 बजे हमारा खाना आएगा तो फिर हम खाना वगैरह खा लेंगे और मैं फिर आपको बाहर का कुछ व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, क्योंकि आज हमारा ये फर्स्ट डे है तो थोड़ा बहुत ही दिखाऊँगा, बाकी बाद में दिखाऊँगा। अभी चलते हैं, ओपी नहा रहा है, तब तक मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और मिरर में कुछ ऐसे दिख रहेगा ही। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दूसरे भवन, वहाँ पर हमारा जो खाने का जो टिफिन है वो लेने के लिए जा रहे हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों ये है गणेश भवन और इस होटल में हम काम करते हैं, बहुत ही बड़ी है ये, देखो आप ना इस तरह की है। और ये है बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है और ये एरिया पूरा पार्किंग वाला है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मोदी भवन और वो अलग एक इस तरह का ही होटल है, वहाँ पर हमारा खाना बनेगा तो वहाँ से सिर्फ टिफिन लेके आना है। तो मैं और ओपी जा रहे हैं। और ये है रोड का कुछ ऐसा व्यू, मोदी भवन हमारे पास में ही है जस्ट, लेकिन एक रोड पार करते ही आता है इस तरह का है। और अंबाजी का टेंपल इस साइड है, ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो वो भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखो आप दुकानें लगी हुई है प्रसाद की, हर चीज़ आपको मिल जाएगी और रोड एकदम क्लीन है। चलते हैं फिर आगे, जो अंबाजी है वो गुजरात के एरिया में आता है और यहाँ पर अंबे माँ का टेंपल है, बहुत ही खूबसूरत है, इस वजह से इस एरिया का नाम पड़ा है अंबाजी। चलो चलते हैं मोदी भवन। तो दोस्तों ये सर्कल है और सर्कल के जस्ट सामने ये है मोदी भवन, इस तरह का गेट है। तो फाइनली आ चुके हैं वापस होटल में और इतना बड़ा टिकोण आपने देखा है, ये देखो, ठीक है, इतनी सारी रोटियाँ हैं, इसमें इतनी सारी रोटियाँ हैं, ठीक है, रोटी। अभी चलते हैं अंदर फिर खाते हैं खाना। ठीक है होटल में अभी खाना खाएंगे और इतना बड़ा टिफिन आपने देखा है कभी पहली बार, देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 डिब्बे हैं इसके।
ठीक है दोस्तों, अभी आया हूँ बाहर और अभी बैठा हूँ अपने दोस्त के साथ। इसका नाम क्या नाम करो भाई? 3-4 दिन से साथ रह रहा हूँ लेकिन अभी नाम नहीं पता क्या था। पर्वत। पर्वत नाम है भाई इसका। और जिस दिन आया था उस टाइम इसे पहली मुलाकात इससे ही हुई थी मेरे दोस्त से। ठीक है, तो ये अपना मतलब प्यारा मित्र कह सकते हो। तो फिलहाल अभी बैठे हैं, अभी चाय का इंतज़ार कर रहे हैं और ओपी बढ़ाने के लिए गए हैं चाय। चाय पीते हैं और बाकी का जो काम है वो फिर करते हैं, है ना भाई? मौज है नया भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और भाई बहुत ही अच्छा है यार। तो ऐसा कुछ है और आपको मैं दिखा तो हूँ गुलाब के फूल गाइस, ये देखो आप, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है गुलाब के फूल, सही में पहली बार देखे। चलो ठीक है, मिलता हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है और अपना जो फ्रेंड है पर्वत वो हमें चाय डाल रहा है, वो भी वेट कर रहा है, हम भी वेट कर रहे हैं। लो दो है तो खुली लो। ला 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 मारा वास्ते है कोई। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अभी है शाम का समय है और सूरज भी अंदर जा चुका है, और अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगा है तो आप कमेंट करना मैं ताकि उस वीडियो को और बेहतर बना सकूं। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।